कांग्रेस ने दलित उत्पीड़न के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजकुमार देरका समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस का कहना है कि लगातार दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए आज वो इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से दलितों पर हो रहे अत्याचार पर लगाम कसने की मांग की। इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे दलित भाई बहन थे, उनको ये देश अंधेरे में रखता था, अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देता था, और जो उनके हक थे उनको नहीं देता था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दलितों का जो हक है उनको मिला, वो कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहेब ने मिलकर हिंदुस्तान के हर नागरिक को और खास तौर से जो हमारे दलित भाई बहन हैं उनका उनका अधिकार और उनका हक दिया। पंजाब कांग्रेस के नेता राजकुमार बेरका हमारे साथ मौजूद हैं। बेरका साहब, आप यहां पर आए, ये प्रोटेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? भैया, ये अधिकार रैली है, ये ललकार रैली है, ये केंद्र सरकार के खिलाफ दहाड़ रैली है। जिस तरीके से लॉ ऑर्डर का जनाजा निकल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, बेरोजगारी का आलम है, और देश के कारखानों में, चिमनियों में धुआं नहीं निकल रहा, देश त्राही त्राही कर रहा है। लेकिन मैं हूं जवान उस कांग्रेस का जो जय जवान का पोषक है, जो दृढ़ता का एक वाहक है, जो समता का आंदोलन है। ये समता का आज आंदोलन देख रहे हो, ये इंसाफ की लड़ाई है, और मैं समझता हूँ कि ये केंद्र सरकार को वार्निंग देने के लिए देश का दलित आज सड़कों पे उतरा है। लेकिन विपक्ष, मतलब बीजेपी, ये कहती है कि सबसे ज्यादा दलित सांसद और विधायक तो उसकी पार्टी से आते हैं। अरे मेरे भाई, एक बात का ध्यान रखना, वो उनके सांसद है, लोग नहीं है, और बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि देश के लोग इन्हें देश निकाले की बात करेंगे। पंजाब में दलितों के रिप्रेजेंटेशन पर बड़ी चर्चा हो गई, पार्टी में कुछ होना है? बिल्कुल होगा और अवश्य होगा। कितने दिन बाद? बल्कि एक वीक में हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार बेरका हमारे साथ थे, जिन्हें आप सुन रहे थे, जो अपनी बात रख रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएचएन प्राइम, दिल्ली।